आइए अब हम शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिकल रिलेशन में अपना अगला टॉपिक। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस, और स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला स्टीरियोकेमिकल रिलेशन कंप्लीट कर चुका है जिसका नाम है एनेंशियोमर। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायस्टीरियोमर्स की आपको डेफिनेशन बता देता हूं और फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आपको लिखकर दिखाता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे दोज मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स। वह सभी मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब हम यहां पर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स को भी मैं एक अलग अलग कैटेगरी में बताता हूं। मान लो मैं सबसे पहला केस वन लेता हूं, और उस केस वन में खास बात क्या है, वन मॉलिक्यूल इज कायरल एंड अदर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कायरल। हम वह मॉलिक्यूल लेते हैं जहां पर दोनों ही मॉलिक्यूल क्या हैं, कायरल हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल है आपके सामने CHO, यहां पर है OHH, यहां पर है OHH, यहां पर है CH2OH। अब अगर मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं मॉलिक्यूल का, वो भी क्या है, कायरल है, OHH CH2OH। अब जरा दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो तो क्या ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हम सबसे पहले एक बात बोलेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज। अगर ये मिरर इमेज नहीं है इसका मतलब ये आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर है। और खास बात क्या है, ये वाला जो आपने मॉलिक्यूल लिया है ये भी कायरल है, और ये जो मॉलिक्यूल लिया है ये भी कायरल है। तो सबसे पहला केस वन उन मॉलिक्यूल का है जहां पर दोनों ही मॉलिक्यूल कायरल हैं और आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। बोलिए पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही मैं और एग्जांपल को बढ़ाता हूं, इस बार मैं एग्जांपल में लेता हूं केस टू में क्या लूंगा, वन मॉलिक्यूल इज कायरल एंड अदर मॉलिक्यूल इज अकायरल। इस बार एक मॉलिक्यूल कायरल है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, अकायरल है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें जरा ध्यान से देखना, COOH, यहां पर आपके पास OHH, यहां पर आपके पास OHH और यहां पर COOH। यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास OHH, यहाँ पर OHH और यहाँ पर COOH। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल है। अकायरल होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से क्या प्रेजेंट है आपके पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है, और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होती है तो वह मॉलिक्यूल कैसा होता है, अकायरल होता है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल। तो इस बार आप क्या ले रहे हो, एक अकायरल मॉलिक्यूल ले रहे हो, एक कायरल ले रहे हो, और आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये भी आपस में मिरर इमेज नहीं है, लेकिन खास तरह का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो कायरल है और एक मॉलिक्यूल अकायरल है। अब यहीं पर हम केस थर्ड की भी बात कर लेते हैं। केस थर्ड हमारे पास क्या है, बोथ मॉलिक्यूल्स आर अकायरल। इस बार दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है, अकायरल हैं। एग्जांपल में स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 double bond CH3 और इस तरीके से C double bond CH3
और यहाँ पर सी एस थ्री, ये आपके पास क्या है ट्रांस है, ये आपके पास क्या है सिस है, और ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो ये भी आपके पास क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, डायस्ट्रूमर्स का, जिसमें ये मॉलिक्यूल भी क्या है अकायरल है, इसमें कोई भी कायरलिटी नहीं है, और ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है अकायरल है, क्योंकि इसमें आसानी से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है और दुनिया के हर प्लेनर मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती ही है, जिसको स्लाइस कट कहते हैं, आलू कट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये तीन एग्जाम्पल से बातें अच्छे समझ में आ चुकी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला मैं लिखता हूं यहां पर ऑल डायस्ट्रियोआइसोमर्स, ऑल डायस्टीरियोमर पेयर, ऑल डायस्टीरियोमर पेयर ऑलवेज काइरल। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल डायस्टीरियोमर पेयर, स्ट्रियोमर पेयर ऑलवेज अकायरल, और लास्ट है ऑल डायस्टीरियोमर पेयर, ऑल डायस्टीरियोमर पेयर मे और मे नॉट बी काइरल, मे और मे नॉट बी काइरल। ये आपके पास तीन स्टेटमेंट हैं। पहला तो क्या सारे ही डायस्टीरियोमर पेयर काइरल हैं, दूसरा क्या सारे ही डायस्टीरियोमर पेयर अकायरल हैं, और तीसरा मे और मे नॉट बी काइरल। देखो समझो, क्या सारे डायस्टीरियोमर पेयर काइरल हैं, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो। क्या मैं सारे डायस्टीरियोमर पेयर को हमेशा काइरल कह सकता हूं? तो अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो इनका एग्जांपल ले लो, ये दोनों ही अकायरल हैं, या इसका एग्जांपल ले लो, कभी भी ये काइरल नहीं है, ये अकायरल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल डायस्टीरियोमर पेयर ऑलवेज अकायरल। अगर आप देखोगे तो ऑलवेज अकायरल नहीं है, एक काइरल भी है, और यहाँ तो दोनों ही काइरल हैं। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, हमेशा डायस्टीरियोमर पेयर अकायरल भी नहीं होते। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लास्ट क्या है, ऑल डायस्टीरियोमर पेयर मे और मे नॉट बी काइरल। हाँ, ये बात सही है, ये काइरल हो भी सकते हैं या फिर काइरल नहीं भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। तो इस बात से हमें एक बात समझ में आ रही है और डिफरेंस भी समझ में आ रहा है एनेंशियोमर्स के साथ। सबसे पहली बात, जो एनेंशियोमर्स होते हैं वह हमेशा कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, काइरल मॉलिक्यूल होते हैं हमेशा। लेकिन जो डायस्टीरियोमर होते हैं वो काइरल काइरल भी हो सकते हैं, वो काइरल एकाइरल भी हो सकते हैं, और वो एकाइरल एकाइरल भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इन्हीं ऑप्शंस से सही हो जाते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी बात से आपके सही हो जाएंगे। एनेंशियोमर हमेशा काइरल काइरल होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर काइरल काइरल भी हो सकता है, काइरल एकाइरल भी हो सकता है, और एकाइरल भी हो सकते हैं। आइए कुछ और जानकारी हम लोग इकट्ठी करते हैं डायस्टीरियोमर्स के बारे में। तो अब हम डायस्टीरियोमर्स के बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं। देखो, मैंने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, जो अभी आपको समझाया है उसी को बस मैंने यहां पर लिख दिया है, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि ना ही आइडेंटिकल है और ना ही जिनकी मिरर इमेज होती है, उसी को हम कहते हैं डायस्टीरियोआइसोमर्स। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार लगा लो। जो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, या फिर एक्सो एंडो आप कह सकते हो, जो एक्सो एंडो कंपाउंड्स होते हैं, ये ब्रिज हेड में मैंने आपको बताया था उस समय पर किस तरीके से हम करते हैं इनको, नोर बोन्डिंग सिस्टम के टाइम पर। एपिमर्स, इसको मैं आपको बायो मॉलिक्यूल्स या नेचुरल प्रोडक्ट टाइम समझाऊंगा कि आखिरकार एपिमर्स क्या होते हैं डिटेल में। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, जब भी आपको ऐसे कंपाउंड दिख जाएं, वो हमेशा कंपाउंड कैसे होते हैं, डायस्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो मैंने आपको बता रखा है सिस ट्रांस। अगर मैं एक्सो एंडो समझाऊं, तो ये जो बॉन्ड होती है ये एंडो होती है, और ये बॉन्ड जो होती है वो एक्सो होती है। नीचे की तरफ जो बॉन्ड होती है एंडो, ऊपर की तरफ जो बॉन्ड होती है एक्सो। एंडो और एक्सो जब भी हो, जहां पर ग्रुप लगा हो, वो कभी भी मिरर इमेज नहीं होती, इस चीज को आप नोट कर लो। एंडो और एक्सो जब भी आपके पास कोई ग्रुप लगा हो, एक एंडो पे लगा हो, एक एक्सो पे लगा हो, वो कभी आपस में मिरर इमेज नहीं हो सकते। अगर मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब है क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट मुझे आपको और समझाना है कि जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका
डायस्ट्रोमर में क्या रोल होता है। जब हम एनेंशियोमर की बात करते थे तो हमने क्या देखा, अगर हम दो मॉलिक्यूल का निकालते थे तो जस्ट अपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन आती थी, याद आ गया। लेकिन मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मिसलेड करता है। यहां पर क्या होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन सम कार्बन, कार्बन स्टार लगा रखा मतलब एसिमेट्रिक सेंटर रिमेन सेम एंड ऑन सम एसिमेट्रिक सेंटर बिकम्स डिफरेंट। कुछ पे तो ये सेम रहता है और कुछ पर क्या रहता है, ये डिफरेंट रहता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, आपके सामने मैं एग्जांपल लिखता हूँ CH3, यहाँ पर आपके पास OH है, H है, यहाँ पर OH है, H है और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से OH है, H है और यहाँ पर OH है, H है और यहाँ पर CH3। मान लो अगर हम इसमें RS नेमिंग निकालते हैं तो इसका जो RS नेमिंग आता है वो क्या आता है S, इसका जो आएगा वो क्या आता है R। यहाँ पर जब आप निकालोगे यहाँ पर क्या आता है R और यहाँ पर क्या आता है आपके पास R। अब अगर आप दोनों को देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये मिरर इमेज है नहीं है, तो देखो अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो यहाँ पर एक पे तो क्या रहा है डिफरेंट आ रहा है और एक पर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहा है सेम आ रहा है। तो यही तुमने बोला RS कॉन्फ़िगरेशन ऑन सम कार्बन है ना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन सम कार्बन, स्टार लगा रखा है, एसिमेट्रिक सेंटर रिमेन सेम, कुछ पे तो सेम रहता है और कुछ पे क्या रहता है डिफरेंट रहता है। इससे हम ये पता लगाएंगे कि ये आपस में क्या है, हमारे पास डाया स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्या आपको थोड़ा सा समझ में आया? मान लो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और मुझे बताइएगा ये क्या है, CH3 यहाँ पर OH, H यहाँ पर Br, H यहाँ पर OH, H यहाँ पर CH3। ऐसे ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर OH, H यहाँ पर Br, H यहाँ पर OH, H और यहाँ पर CH3। अब जरा ध्यान से समझना, जब आप इस वाले केस में निकालोगे तो यहाँ पर ये आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है, इस वाले केस में जब आप निकालोगे एसिमेट्रिक सेंटर वाले केस में, जब आपके पास सिर्फ एक ही जगह क्या हो डिफरेंस हो, एक एसिमेट्रिक सेंटर पर ही अगर कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस हो, देखो अगर आप जरा ध्यान से मॉलिक्यूल को देखोगे पूरे को तो सिर्फ इस जगह ही आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, जहां पर Br और H यहां पर आ गया, तो इन्हीं को हम कहते हैं एपिमर्स। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, एपिमर्स, जहां पर एक एसिमेट्रिक सेंटर के अराउंड क्या हो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो, उसी को हम एपिमर्स कहते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब यही पहला हो जाता है आपके पास, मतलब पहले के पास जो आपके पास नीचे कार्बन होता है उस पर आ जाता है एसिमेट्रिक सेंटर पे, इसको एनोमर्स कह देते हैं। एपिमर्स एनोमर्स क्या होता है इसको हम नेचुरल प्रोडक्ट में डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात समझो, जो एपिमर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं डायस्ट्रोइसोमर्स होते हैं। तो अगर मुझे ये बात सिर्फ पता हो कि यहाँ पर सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर के अराउंड ही कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है तो ये एपिमर है, और अगर ये एपिमर है तो ये क्या रहे होंगे डायस्ट्रोमर। नहीं तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो क्या करके, आरएस नेमिंग करके। एक बात आप समझो, जैसे मान लो हम लोग आरएस नेमिंग लिखते हैं इस तरीके, तो यहां पर अगर हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास आर आर है, आर आर है, यहां पर आर आर है इस तरीके से, और यहां पर हमारे पास आरएस है। ऐसे ही अगर मैं यहां ले लेता हूं, यहां पर हमारे पास आरएस है, आरएस है, आरएस है, आर आर है। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, यदि आपके पास ये वाला पार्ट समझोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास मिनिमम वन मिसमैच है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मिनिमम वन मिसमैच है, दिख रहा है क्या ये वाला, बाकी सब तो क्या है सेम है। और अगर आप जरा ध्यान देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपके पास मिनिमम वन मैच है, मिनिमम वन मैच है। देखो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा किस पे ध्यान देना है, मिनिमम वाले पे ध्यान देना है। या तो मिनिमम वन मिसमैच हो या फिर मिनिमम वन मैच हो, तो वह आपके पास एग्जांपल किसके हो जाएंगे, डाया स्टीरियो आइसोमर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। एनेंशियोमर्स के केस में क्या होता है, वहां तो जस्ट अपोजिट होता है, आर है तो एस होगा, आर आर है तो एस एस होगा। लेकिन जब भी आपको मिनिमम वन मिसमैच दिख जाए या फिर मिनिमम वन मैच दिख जाए तो समझ जाना वह आपका किसका एग्जांपल है,
है आपका डायस्टोमर्स का एग्जांपल है, मैक्सिमम तो फिर कुछ भी हो सकता है, आपको मैक्सिमम पे ध्यान नहीं देना है, मिनिमम पे ध्यान देना है। अगर आपको आरएस नेमिंग से चीजें समझ में आ चुकी हैं तो इससे करिएगा, नहीं तो बाकी आपको अच्छे से पता ही है कौन किसकी मिरर इमेज है या नहीं है। ये सारे टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया है, मिरर इमेज पढ़ाया, टाइप्स ऑफ मिरर इमेज पढ़ाए, सुपर इम्पोजिबिलिटी पढ़ाया, तो हमने जो अच्छा खासा टाइम दिया था वहां पर वो इसीलिए दिया था ताकि आपको इन टॉपिक्स में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टोमर्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टोमर्स। देखो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट तो यही है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यदि मैं बात करता हूं, ये आपके पास क्या है, एक ट्रांस फॉर्म ऑफ एल्कीन है, और ये आपके पास क्या है, एक सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन है। अगर मैं इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, और यहां पर अगर मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होने वाली हैं, यहां पर डिफरेंट होने वाली हैं। मतलब यहां पर दोनों ही केस में हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म है। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से। अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं प्रॉपर्टीज में, है ना, ये है दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। जब आपको मैंने एनेंशियोमर पढ़ाया था तो एनेंशियोमर के टाइम क्या बताया था, उनके पास उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जिसकी वजह से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज वेल एज क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, इसकी वजह से इनको यहाँ पर सेपरेट किया जा सकता है। और अगर याद हो हमने एनेंशियोमर के टाइम रेजोल्यूशन पढ़ा था जहाँ पर आपको मैंने सिखाया था किस तरीके से एनेंशियोमर्स को डायस्टोमर्स में बदलते हैं, और डायस्टोमर्स की हमने एक बात उस समय रटवाई थी कि डायस्टोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं जिसकी वजह से उनको सेपरेट किया जा सकता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहां पर हम नोट में एक बात समझते हैं, यदि आपके पास एक आइसोमर का पेयर है, या कह सकते हो आइसोमेरिक पेयर है जो कि स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और वो ना ही तो आपके पास आइडेंटिकल है, ना ही आइडेंटिकल है, और ना ही एनेंशियोमर है। मतलब वो ना ही आपके पास आइडेंटिकल है, ना ही एनेंशियोमर है, तो वह जो आइसोमेरिक पेयर होगा वह आपका क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। इस बात को समझना है। मतलब अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करता हूं कॉन्फिग्रेशनल, तो हमारे पास दो होते हैं, एक तो होते हैं डाया स्टीरियोमर्स और एक होते हैं हमारे पास एनेंशियोमर्स। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड also exhibit
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वह ऑप्टिकली एक्टिव ही हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। और मैंने एक लाइन और लिखाई थी अगर आपको याद हो एकदम स्टार्टिंग में, कि हम जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्टडी करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ही स्टडी करो, ऑप्टिकली एक्टिव के साथ कुछ हो सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी हो, उसी की स्टडी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ इस तरीके का, आप मुझे बताइएगा ये आपस में क्या है, क्या ये डायस्ट्रोब आइसोमर्स हैं या नहीं है। ये है आपके पास कंपाउंड, ध्यान से देखो क्या आपके पास ये डायस्ट्रो आइसोमर्स हैं नहीं है। आपको डायस्ट्रोमर्स आइसोमर्स के लिए जब भी कुछ पूछा जाए तो आप बस ये देखो क्या ये आपस में मिरर इमेज है या नहीं है। तो आप जब देखोगे तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों ही ऊपर की तरफ हैं। आप खुद फील करो, ये आपके पास इस तरीके से फोर मेंबर रिंग है, दोनों ऊपर की तरफ है। अगर आप मिरर रख दोगे तो सामने वाले भी दोनों ऊपर की तरफ होंगे, नीचे की तरफ तो जाने का कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन इसमें एक नीचे की तरफ है तो हम बोलेंगे ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए ये आपस में क्या है डायस्ट्रो आइसोमर्स। जब जब दुनिया में मिरर इमेज नहीं होंगे वह कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे डायस्ट्रो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो आइए मैं कुछ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन लिखाता हूँ बेहतरीन वाले, और फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ कौन से एनेंशियोमर्स हैं, कौन से डायस्ट्रो आइसोमर्स हैं और कौन से आइडेंटिकल हैं। ये बातें अभी तक हमने पढ़ चुकी हैं तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन के साथ। यहाँ जो भी आपने अभी तक स्टोकेमिकल रिलेशंस में सीखा है उसके अप्लाई करने की बारी आ चुकी है। देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भले ही मॉलिक्यूल देखने में बहुत आसान से लग रहे हों कि सर इसमें क्या रिलेशन ही तो देने हैं, कितना आसान होगा, लेकिन यहाँ पर टिपिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर रोटेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो सारी बातें आ जाएंगी जो मैंने आपको मिरर इमेज के टाइम से स्टार्ट की हैं, सारे पॉइंट अपने आप लगना शुरू हो जाएंगे। क्या मिरर इमेज है या नहीं है पहला सवाल, अगर हैं तो किस प्रकार के हैं, और फिर जो भी आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी उसमें जो जो बातें मैंने आपको सिखाई थी, क्या अलाउड था क्या अलाउड नहीं था, सारी बातें आपको यहाँ पर एज अ एप्लीकेशन पार्ट आने वाली हैं। तो एक एक मॉलिक्यूल को बहुत ही इत्मीनान से सीखते हुए करेंगे, और जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसको स्टार लगा लो, स्टार लगा के उस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, वो सारी बातें याद करो जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पहले मॉलिक्यूल के साथ। अगर मैं पहले मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो आप खुद फील करो इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। यहां पर अब मैं थोड़ा सा यहां पर स्टार्टिंग में एक बार मॉडल का सहारा लूंगा। देखो हर मॉलिक्यूल के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप सोचो कि सर हर मॉलिक्यूल के करके दिखा दो तो सॉरी, फिर से बोल रहा हूं सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा सब मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि फिर इससे आपकी आदत है ना बिगड़ती जा रही है, आपको फिर आदत हो जाएगी वही सब देखने की इस तरीके से ना। एक बार मॉडल बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। देखो आपके पास इस तरीके से फिट करते हैं, यहां पर ही नीचे की तरफ है और यहां पर ये ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा ही है मॉलिक्यूल। देखो इस तरीके से समझ में आ रहा है, यहां पर ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, आ रहा है समझ में। यहां वाला क्या है, इस वाले को भी मैं बना देता हूं एक बार। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जरूरत होता है जहां पर आपको मैं थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आ जाऊं कॉन्सेप्ट में, और जैसे ही एक बार कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी ना, फिर आपको ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स में तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ये बात तो गारंटी है। हाँ दूसरों वालों में हो सकती है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स में दिक्कत नहीं आएगी जहां पर एक बार आप समझ जाओगे किस तरीके से आपके पास कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे कहाँ है, इस तरीके से है, ठीक है।
फाइनली अपन ने दोनों ही मॉलिक्यूल बना लिए। सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल दिखाऊंगा, फिर इसकी इमेज आप सोचना। देखो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही तो होगा, इस तरीके से क्या आपको दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये रेड वाला ऊपर की तरफ है, ये येलो वाला नीचे की तरफ है। अगर जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो कैसे आनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर येलो वाला आना चाहिए और उस तरफ रेड वाला आना चाहिए। तो चलो इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। देखो कुछ ऐसी ही तो मिरर इमेज आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये आपस में मिरर इमेज है। अब अगर ये आपको समझ आ रही मिरर इमेज है तो आप इसको कैसे भी घुमा लो, ऐसे घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, क्या आप इसको इसके ऊपर रख सकते हो या घुमा के रखो, क्या इसको ऊपर रख सकते हो, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। आप सबसे पहले क्या देखोगे, क्या ये आपस में मिरर इमेज है या नहीं है। तो हम बोलेंगे हाँ जी ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है। पहली बात, जब ये पता चल जाए मिरर इमेज है तो कैसे मिरर इमेज है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। बस आपका आंसर आ गया। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वह क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा आपके पास ई, ई स्टैंड फॉर एनेंशियोमर। आप बोलोगे सर यहां से एक लाइन खींच के 180 डिग्री कर दो, होता है पॉसिबल। जब आप इसको यहां लेके जाओगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप तो चेंज कर रहे हो ना पूरा का पूरा कॉन्फिगरेशन एक तरीके से, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर की तरफ, तो ये एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। इस वाले की बात करते हैं, यहां पर भी क्या होगा, तो आप सबसे देख रहे हो इधर मिरर लगा दो तो साफ साफ सुन रहा है मिरर इमेज है। तो यहाँ पर आप इसको जब लेके आओगे या फिर घुमा कर लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, आप इस पर नहीं रख के नहीं रख पाने वाले, मतलब इसकी भी मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये दोनों क्या हो गए, एनेंशियोमर। इस वाले की बात करते हैं, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज, बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे की, लेकिन जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज कर जा रहा है। तो ये कैसी मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। कैसी मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा ना कि यदि हमारे पास मिरर इमेज है या तो वो सुपर इम्पोजिबल होगी तो आइडेंटिकल, यदि नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो एनेंशियोमर। इस वाले सवाल की बात करते हैं, ये वाला सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आप देखो क्या ये मिरर इमेज है, बिल्कुल ये मिरर इमेज है। अब आपको लग रहा होगा सर इसको जब इसके ऊपर उठाओगे तो यहाँ पर ऊपर वाला आ रहा है, यहाँ पर नीचे वाला आ रहा है, ऐसा ही तो लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से 180 डिग्री विद इन द प्लेन रोटेट कर दूं, जब इस तरीके से आप कर दो तो फिर कुछ चेंज नहीं आने वाला। जब आप इस तरीके से कुछ कर दोगे तो ये ऊपर वाला यहाँ जाएगा, ये वाला नीचे वाला यहीं रहेगा, तो ये क्या कर जाएंगे, सुपर इम्पोज कर जाएंगे। इस वाले केस में क्या दिक्कत हो रही थी, जब आप इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे, देखो फिर से समझना, इसको जब आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और ये वाला नीचे की तरफ, तो इसमें आपको सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। लेकिन इस वाले केस को अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस वाले केस में क्या आपके पास इसको ऐसे रख रहे हो तो नहीं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दो इस तरीके से, ठीक है, तो इसको देखो हमें पता है कैसे भी रोटेशन से हमें क्या होता है, हमें ये देखना होता है क्या उससे मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो रही है। अगर कैसे भी रोटेशन करवाने से मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल बन रही है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपके पास, आइडेंटिकल। तो ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल। देखने में आपको लग रहा है एनेंशियोमर लेकिन ये एनेंशियोमर नहीं है, ठीक है। इस वाले केस में बात करते हैं, इसमें भी वही सेम केस है, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये भी ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले केस में देखो, अब यहाँ देखो ये दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो पहली बात तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, और जब मिरर इमेज ही नहीं है तो क्या हो जाएंगे, डायस्ट्रोमर्स। इस वाले केस में यहाँ एक ऊपर एक नीचे, यहाँ दोनों ऊपर, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, डायस्ट्रोमर। अब मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रखी है इसलिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो सबसे पहले ये चेक किया करो क्या ये मिरर इमेज है या नहीं है। आइए इसकी बात करते हैं, इसकी इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ मुझे, इस वाले केस में क्या करेंगे, ये देखो दोनों ऊपर की तरफ और ये दोनों नीचे की तरफ, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा इस वाले में, इस वाले केस में, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके पास, आइडेंटिकल। ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस बन जाएंगे। थोड़ा सा इनको करने की कोशिश करो आप, जब आप देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिकल किस वजह से बने जा रहे हैं। बोलिए, यही तो दिक्कत आ रही है इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, आपको लग रहा है एनेंशियोमर। जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, एक मॉलिक्यूल ये वाला है, अब आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, CH3 OH H,
OH H CH3, यहाँ पर क्या है CH3 OH H OH H और यहाँ पर क्या है CH3, बताओ इस वाले केस में ये क्या है। अगर आपने ये क्वेश्चन सही से कर लिया ना तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बताओ मिरर इमेज है बिल्कुल, क्या ये नॉन सुपरइम्पोजिबल है? हाँ सर, लग तो ये रहा है जब रखोगे। नहीं, जब आप इसको विद इन द प्लेन ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ये वाला OH यहाँ, ये OH यहाँ, तो सुपरइम्पोज कर जा रहा है, तो ये आपस में क्या है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, क्या है आइडेंटिकल। बोलिए, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे समझ सकते हो, यदि आपको आपको मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, यदि आपको मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो उससे आप कह सकते हो कि वहां पर वह कैसा होगा, आइडेंटिकल ही होगा। जैसे मैं इन वाले मॉलिक्यूल में बात करता हूँ, ये एनेंशियोमर है, तो इनमें आपको कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली, इनमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखो आप, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी इस वाले केस में, इस वाले मॉलिक्यूल में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो ये खास तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड, अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इन क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, आपको जो एनेंशियोमर लग रहे हैं उनको ध्यान देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से समझ लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इनमें फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बताना है। आपको हमेशा तीन ही रिलेशन के बारे में भी समझना है। एक तो सबसे पहला रिलेशन, क्या ये एनेंशियोमर है? दूसरा, क्या ये डायस्ट्रोमर है? और तीसरा, क्या ये आइडेंटिकल है? जब भी आप तीनों को देखो तो सबसे पहले आप ये चेक करो, क्या ये मिरर इमेज हैं? अगर मिरर इमेज हैं तो आगे बढ़ो, तो उस समय या तो सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल तो आइडेंटिकल, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो एनेंशियोमर, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्ट्रोमर। आइए बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्या है, तो जरा ध्यान से, क्या फर्स्ट और सेकंड मिरर इमेज है? तो हम बोलेंगे हाँ जी, अगर मिरर लगाओगे तो मिरर इमेज जैसा लग रहा है। अब ये सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल? तो आपको ऐसे देखने को तो लग रहा है कि ये इसके साथ सुपर इम्पोज नहीं करेगा, लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री विद इन द प्लेन रोटेट कर दोगे, जब 180 डिग्री विद इन द प्लेन रोटेट करोगे तो आपको एकदम एज इट इज ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा। मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजिबल है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, आइडेंटिकल हो जाएगा। अब बोला है फर्स्ट एंड थर्ड, जरा फर्स्ट और थर्ड को देखो, क्या ये आपस में मिरर इमेज है? तो यहां तो साफ साफ समझ में आ रहा है मिरर इमेज ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोमर हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ भी आपस में क्या है, मिरर इमेज नहीं है, तो ये डायस्ट्रोमर हो जाएगा। तो डायस्ट्रोमर बताना सबसे आसान है, लेकिन बस कंफ्यूजन होता है आइडेंटिकल और एनेंशियोमर में, और उसमें भी कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन सी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है और कौन सी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है, जिसमें अपन ने लगभग 100 क्वेश्चन किए हैं। देखो कितनी मतलब अजीब सी बात है, जो प्रैक्टिस नहीं किया वो एकदम समझ में आ जा रहा है, और जो प्रैक्टिस किया है उसमें फिर भी आपको दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि ये टॉपिक ही टिपिकल आ जाता थोड़ा सा। थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, थर्ड और फोर्थ आपस में देखो मिरर इमेज है क्या? बिल्कुल, यहाँ देखो मिरर इमेज है। क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? नहीं है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। तो अगर आपसे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब स्टीरियोकेमिकल रिलेशन आपको बहुत हद तक समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट तीन तरह के रिलेशन की बात कर रखी है। एक सबसे पहला रिलेशन आपके पास एनेंशियोमर, दूसरा डायस्ट्रोमर, आइडेंटिकल भी कहीं ना कहीं हमने इसके बीच में पढ़ लिया है, लेकिन लास्ट में इसके बाद हम पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड, उसके बाद लास्ट में आइडेंटिकल के बारे में थोड़ी बातें आपको बताऊंगा।